सबका आलम आज हमारा फलकनामा पुलिस कल चार लोग को पकड़ा जो मर्डर अटेम्प्ट करने के लिए मर्डर करने की कोशिश कर रहा था। उनके साथ साथ तीन सिकल्स और तीन चाकू बरामद किया और दो टू व्हीलर्स टू सेलफोन भी किया। जो पकड़ा गया उनका नाम है मीर अशफक अली, मोहम्मद शुबान खान अली अशुबानी, मोहम्मद जमील खान अली काजा खान। एक्चुअली इसका मोटिव जो है जो आमिर है जो मेन अक्यूज है मीर अशफक अली अली आमिर खान है उसका और उसका रिलेटिव जो है नाजिम निशान के साथ कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ। उसके बाद ये आमिर जो है झगड़ा में आमिर ने नाजिम को मारा तो आमिर में ये गुस्सा या जो भी एंग्री पैदा कर लिया क्योंकि नाजिम बाहर जाके इसके बदनामी कर रहा था और साथ साथ आमिर का ये भी शक था कि नाजिम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके बीवी के ऊपर। तो उसके लिए उनके दोस्तों से मिलके फरहान सुबान खान जमील खान इमरान छोटा इरफान और एक बॉय जो है जो 18 साल से छोटा बच्चा के साथ एक प्लान किया कि कल जैतून होटल के पास जो हलकनामा में जैतून होटल के पास उसके ऊपर अटैक करने का कोशिश प्लानिंग किया था। बट जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया हमारे टीम के पास इन्फॉर्मेशन आया कि वैसे प्लानिंग चल रहा तो अटेम्प्ट होने के पहले हम लोग उन लोग को पकड़ लिया और साथ साथ उनसे ये तीन सिकल्स और तीन चाकुएं बरामद किया और उनके ऊपर क्राइम 172/2023 अंडर सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 149 रेड विथ 511 और आर्म्स एक्ट का 25(1)(a) आर्म्स एक्ट का सेक्शन भी लगा है और आज अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाला है। ये सारी ऑपरेशन जो है शेख जहांगीर एडिशनल डीसीपी और इंचार्ज फलकनामा डिवीजन का ACP इनकी निगरानी में और इंस्पेक्टर फलकनामा राघवेंद्र और SS नागराजु रवि कुमार और क्राइम कॉन्स्टेबल्स मोहम्मद रियाजुद्दीन और ES विनय कुमार और शिवा ने ऑपरेशन सक्सेस करवाया। इन सब सभी को CP साहब की जाने से सभी को बधाईवाद देता हूँ और सभी को सबको रिवॉर्ड का भी प्रपोजल किया गया ताकि इतना हार्डवर्क करके एक क्राइम को रोका उनको पुलिस डिपार्टमेंट जरूर अप्रिसिएशन देगी और सभी को इस मौके से सभी जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वैसे कुछ होने वाला है ज़रूर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि एक क्राइम को प्रिवेंट करने में आप भी पार्टनर हो जाए। थैंक यू। नहीं वो एक्चुअली आप देख रहे हैं वो इंटरनल फैमिली इश्यू के लिए भी वो हो रहा था। जैसे इंफॉर्मेशन आया हम लोग वहाँ जैतून होटल के पास विजिट करके तो हमारे पास इंफॉर्मेशन था कि वहाँ अब रिटायरमेंट पकड़ा गया उनका बचपन से था रिकवरी जो बराबर की हो नहीं गया उन्होंने रिकवरी किया था। वो उनका शक था